हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल वन को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? डेटा टाइप। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे, एक टर्म आया था पिछले वीडियो में, डेटा टाइप। पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किए थे? वेरिएबल के बारे में। तो वहीं पर आया था डेटा टाइप, तो बोले थे अगले वीडियो में डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने डेटा टाइप का वीडियो लेके, ये बात डेटा टाइप। तो डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप लिखा गया है उसके बारे में, डेटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल होल्ड। पिछले वीडियो में क्या दिए थे? वेरिएबल के बारे में देखे थे। वेरिएबल क्या होता है? जो किसी चीज़ को स्टोर करता है या फिर होल्ड करता है। ठीक है, वेरिएबल हमारा क्या करता है? वेरिएबल हमारा होल्ड करने का काम करता है। क्या चीज़ होल्ड करने का? डाटा होल्ड करता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमारा डाटा होल्ड करता है। तो किस टाइप का वो डाटा है जो होल्ड कर रहा है हमारा वेरिएबल, वो डाटा किस टाइप का है वो हमारा बताता है डाटा टाइप। क्लियर हुआ? डाटा टाइप हमारा वो चीज़ है जो बताएगा वेरिएबल में किस टाइप का डाटा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे किस टाइप का कहने का मतलब हुआ, कैरेक्टर जा सकता है, इंटीजर जा सकता है, डेसिमल वाला नंबर जा सकता है। तो उसको बताना पड़ेगा ना, जो डेसिमल वाला जा रहा है या सिंपल इंटीजर जा रहा है या फिर ABCD वाला अल्फ़ाबेट जा रहा है। तो उसी लिए आता है हमारा फिल्म में डाटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, डाटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा ए वेरिएबल होल्ड। मतलब किस टाइप का डाटा हमारा, सॉरी, किस टाइप का वेरिएबल हमारा डाटा होल्ड कर रहा है वो बताता है मेरा डाटा टाइप यह। ठीक है, उसके बाद लिखा गया, इट इज ऑल्सो टेल अबाउट द स्पेस दैट अ वेरिएबल होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का, इसका कहाँ करने का मतलब क्या हुआ, ये तो समझ में आया। हाँ, कोई वैल्यू वो होल्ड करता है, तो किस टाइप का वैल्यू होल्ड करता है वो हमारा क्या बताता है? डाटा टाइप बताता है। ठीक है, तो आप जानते हैं वो जो डाटा टाइप बताएगा तो कितना मेमोरी में स्पेस लेगा वो भी ना बताएगा। जैसे इंटीजर, इंटीजर मतलब सिंपल 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव नेगेटिव वाला नंबर हुआ। ठीक है, और कोई होता है डेसिमल वाला और कोई होता है कैरेक्टर वाला। ठीक है, तो ये मेमोरी में अलग अलग डाटा लेगा ना। ये काम अलग है तो नाम अलग है तो जगह अलग मिलेगा ना, आप पैसों को तो उतने मिलेगा ना, जैसा काम वैसा ना। तो यहाँ पे इसे हमारा डाटा टाइप ये भी बताता है कि मेमोरी में कौन चीज़ कितना जगह लेगा। ठीक है, तो दूसरा लाइन क्लियर हुआ। उसके बाद है हमारा डाटा टाइप के प्रकार। ठीक है, ये मेरा पहला है प्री डिफाइंड डाटा टाइप। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जो पहले से डिफाइंड है। पहले से कौन क्या डिफाइंड है? पहले से मेरा इंटीजर डिफाइंड है, इंटीजर नहीं है ये इंट है, अभी के लिए इंट समझिए। इंट क्यों लिखे हैं यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, डबल है, लॉन्ग है। मेरा डाटा टाइप का क्या प्रकार? तीन प्रकार, प्री डिफाइंड, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, प्री डिफाइंड में मेरा आता है इंटीज, इंट, प्लॉट, कैर, डबल, लॉन्ग। और ये सब देखिएगा ना, तो ये सब आपका कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड वाला डिस्कस कर चुके हैं, ये सब मेरा कीवर्ड है। तो प्री डिफाइंड मतलब होता है, तो कीवर्ड, कीवर्ड में क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड मतलब रहता है। तो ये सब मेरा कीवर्ड है, किस चीज़ का कीवर्ड है वो उधर लिखे हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप कहने का मतलब हुआ, ये सब से मिलकर ये बनेगा, ऊपर वाला जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है ये सब मिलकर ये ड्राइव डेटा टाइप को बनाएगा, जिसमें होता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर। अभी बस नाम सुन लीजिए इसका। ठीक है, और उसके बाद तीसरा का मेरा होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र मतलब, यूज़र डिफाइंड मतलब का मतलब ये पहले प्री डिफाइंड नहीं है, हम एज अ यूज़र उसको खुद बनाएंगे जी हाँ, ये इस टाइप का डाटा है। तो उसमें आता है मेरा स्ट्रक्ट, इनम, यूनियन। स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम, अभी ये सब का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, अभी लॉन्ग फॉर्म नहीं है। ये सब मेरा भी कीवर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड है, इनम कीवर्ड है, स्ट्रिंग यूनियन कीवर्ड है। समझ में आया? तो ये सब आगे आएगा, अभी हम फिलहाल के लिए इतना चीज़ को डिस्कस करते हैं, इतना चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये सब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड डेटा टाइप करने का मतलब इंटीजर, प्लॉट, कैर, डबल, लॉन्ग, ये सब का मतलब पहले से डिफाइंड है कंपाइलर के, वहाँ कंपाइलर को पता है जैसे आपका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे हम कुछ कुछ लिखे हैं चीज़, क्या चीज़ लिखे हैं, चीज़ लिखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ लिखे हैं, पहला हमारा वेरिएबल किस टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर डाटा को, इंटीजर डाटा को होल्ड करेगा। ठीक है, तो पहला मेरा है इंटीजर, पहला इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म जो कीवर्ड यूज करते हैं वो मेरा होता है इंट। यहाँ पे देखिएगा इंट, इंट, इंट। तो इंट किसके लिए होगा यूज़? इंटीजर के लिए। इंटीजर हमारा कितना बाइट लेता है? एक होता है बाइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस, एक होता है बाइट, एक होता है मेरा बिट। मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना उसको बिट बोला जाता है। और एक आठ बाइट, आठ बिट लगाइएगा ना तो मेरा एक बाइट बनता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 8 बिट बराबर 1 बाइट।
बिट क्या होता है, मेरा मेमोरी का सबसे छोटा एरिया जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी इज नोन एज बिट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, बाइट मतलब समझ में आया, बाइट मतलब एक बाइट में आठ बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार बाइट लेता है मेरा इंटीजर जो है, जिसका कीवर्ड इंट है, ये मेरा चार बाइट लेता है। यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये क्या होता है जी, तो यहाँ पे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, उसके बाद फिर से वहाँ पे जाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है यूज टू टेक इनपुट एंड प्रिंट द आउटपुट ऑफ द टाइप। ठीक है, कोई भी जिस टाइप का हमारा क्या डाटा है उसको इनपुट लेगा उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के। मान लीजिए हम डाटा दे रहे हैं आपको, सिंपल इंटीजर दे रहे हैं, वन दे रहे हैं, तो ये कि इंटीजर टाइप का है ना, तो इसमें हमको बताना पड़ेगा ना ये इंटीजर टाइप का है। तो वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करता है, परसेंटेज जी लगा देंगे ना, तो इसका मतलब होता है वो मेरा इंटीजर टाइप का डाटा आ रहा है या प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको डेसिमल वाला करना है तो हम यहाँ पे परसेंटेज एफ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बताना पड़ेगा ये फ्लोटिंग टाइप का है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। ये यूज करते हैं हमारा इनपुट देने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए, किस टाइप का डाटा है उसके अनुसार। ठीक है, अब फॉर्मेट मतलब होता है यहाँ पे परसेंटेज लगा के यहाँ पे हम जो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देख परसेंट डी, तो यहाँ पे डी मतलब इंटीजर, परसेंट मतलब फॉर्मेट, किस चीज़ का फॉर्मेट, इंटीजर का फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या हुआ, किस टाइप का डाटा हम लेना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट डी। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब अबते रहेगा, ये जितना चीज़ है ना ये लगभग सारा सी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कैरेक्टर पे। कैरेक्टर का हमारा कीवर्ड होता है कैर, ये सारा स्मॉल लेटर में। ठीक है, कीवर्ड सारा स्मॉल लेटर में होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या, ए बी सी डी वाला जो कि सिंगल कोट में रहता है वो कैरेक्टर का। कैरेक्टर अगर हम लेना चाहते हैं तो उसका कीवर्ड यूज करेंगे कैर, या फिर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो कैर यूज करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कैरेक्टर के लिए कैर, ये मेरा मेमोरी में वन बाइट लेता है, इसका हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी, सी से कैरेक्टर याद रख सकते हैं बस। और उसके बाद एक फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाला नंबर, उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं फ्लोट, ये मेरा मेमोरी में चार बाइट लेता है। ये बाइट ले रहा है ना, ये सब अपना सिस्टम के अनुसार होता है, जैसे मान लीजिए इंटीजर किसी में दो बाइट भी लेता है, किसी में चार बाइट भी लेता है, तो ये सब अपना सिस्टम, जैसा मशीन जैसा लैपटॉप होता है उसके अनुसार ये सब काम करता है। ठीक है, तो ये अपना साइज अपन निकाल भी सकते हैं आगे, जैसे आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पर हम इस साइज आपको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन होता है उसके जरिए, ये याद नहीं, ये याद नहीं करना है जो चार बाइट लेता है, बस एक आइडिया रख लीजिए इतना लेता है, ये वैरी कर सकता है सिस्टम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद फ्लोट के परसेंटेज एफ होता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसके बाद आते हैं डबल पे। डबल क्या होता है, डबल भी एक इंटीजर टाइप का है। ठीक है, सॉरी इंटीजर नहीं, डेसिमल टाइप का है, इसमें सिक्स डिजिट में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2.60 बैठा दीजिए, ये मेरा फ्लोट टाइप का देता है, यही हमारा जीरो और बढ़ जाएगा तो वो मेरा डबल हो जाता है, लॉन्ग डबल मतलब और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद इतना डिजिट तक ले सकता है मेरा फ्लोट, डबल और लॉन्ग वो बताता है। ठीक है, डबल में मेरा इंटीजर नहीं, डेसिमल वाला। ठीक है, डबल के लिए कीवर्ड होता है डबल, ये मेरा मेमोरी में आठ बाइट लेता है, इसका परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज LF। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल भी इसका कीवर्ड होता है लॉन्ग डबल, सब स्मॉल में होगा, इसका जो मेमोरी में साइज लेता है ये भी 10 बाइट का लेता है, इसका भी परसेंटेज LF होता है, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ एक बार देख लीजिए, क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इतना तो जान लीजिए क्या क्या चीज़ जान लीजिए, मेरा डाटा टाइप क्या चीज़ करता है, हमारा वेरिएबल कौन सा टाइप का ले रहा है डाटा वो बताता है मेरा डाटा टाइप। डाटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग ये सब होता है, और जिसका कीवर्ड ये है, बाइट रिक्वायरमेंट ये है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है। अब चलिए एक कुछ वेरिएबल बना के देखते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में आप चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे, वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करना कैसे क्यों ज़रूरी है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आप एज ए इनपुट ले रहे हैं दो नंबर, पहला नंबर ले रहे हैं दो, तीसरा नंबर ले रहे हैं, दूसरा नंबर ले रहे हैं तीन। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है, आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा तभी ना उसको मेमोरी में जगह मिलेगा। आप दो नंबर उसको दे रहे हैं तो पहले बताइए नहीं करिएगा, बिन बुलाए मेहमान वाला हो जाएगा बात, पहले बताइए नहीं करिएगा जो दो आ रहा है इंटीजर टाइप का तो आपकी दो के लिए मेमोरी जगह दीजिए। ठीक है, ऐसे दे दीजिएगा तो जगह नहीं मिलेगा तो उसको, समझ रहे हैं ना, एरर हो सकता है।
तो मान लीजिए पहले से हम बताएंगे उसको, जहाँ आप यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए, अब ए में हम इसमें दो भेज रहे हैं, तो पहले से बताए रहेंगे तब ना, जब इसमें दो रख रहे हैं तीन रख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ताकि उसको उसी टाइप का, जिस टाइप का मेरा आ रहा है डाटा, उस टाइप से उसका मेमोरी मिल जाए, ठीक है। मेमोरी मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर से मेमोरी उसको दे देंगे। कभी कभी होता है मेमोरी एलोकेट नहीं होता है, क्योंकि फाइल भरा हुआ रहता है, तो उसको फिर से करते हैं, रिफ्रेश करके करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा, वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, ग्रामर, ठीक है। जब पहले हैं यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी होता है, जस्ट लाइक उसका रूल, वेरिए सिंटैक्स मतलब रूल, जो उसी टाइप से हम चलेंगे। तो सिंटैक्स वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप कैसे लिखेंगे, ये इंट कैर फोर जो हमारा कीवर्ड है, इसका प्रयोग करते हुए हम डाटा टाइप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नाम देंगे, वेरिएबल नाम में ये ध्यान देंगे जो वेरिएबल नाम का जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल नेम लिखे हैं, हम रूल फॉलो किए हैं, बीच में अंडरस्कोर दिए हैं, ठीक है। तो वेरिएबल नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो इनिशियलाइज करना है वो देंगे, चाहे आगे हम इनपुट लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमको क्या करना है, तीन नंबर को, हमको नंबर तीन, जो तीन हमारा इंटीजर है, इसको स्टोर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमारा इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है ना, तो क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का हम पहले डाटा टाइप लिखेंगे। इंटीजर टाइप का डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर के लिए क्या करते हैं, यूज इंट। तो हम लिखेंगे पहले इंट, इंट लिखें, उसके बाद क्या, वेरिएबल नाम। वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए हमारा वेरिएबल नाम का जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम पहले देते थे फर्स्ट, फर्स्ट दे दिए नाम, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब ये डिक्लेयर हो गया था, इसका मतलब क्या, मेमोरी में मेरा एक फर्स्ट नाम का, फर्स्ट नाम का एक मेमोरी मिल गया होगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसमें इंटीजर वैल्यू आ सकता है, ठीक है। ये मेरा हो गया वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया, वेरिएबल का डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। तो मेमोरी में मेरा एक वेरिएबल नाम का जगह मिल जाएगा, और इसको इसमें कुछ वैल्यू रहेगा, गार्बेज वैल्यू रहेगा, अभी सिर्फ वेरिएबल का इसकी बस एक लैंड बनाए, ठीक है। लैंड मतलब ज़मीन, ज़मीन में क्या करते हैं आप, कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें दिया था उसी टाइप का आप घर बना दीजिएगा, उस ज़मीन में क्या रहता है, जंगल वंगल रहता है ऊँचा हुआ, तो वही समझ लीजिए इसमें कोई वैल्यू रहेगा, कोई आलतू फालतू वैल्यू रहेगा, ठीक है। समझ में आया, वैल्यू वैल्यू हम डिक्लेयर कैसे किए, पहले डाटा टाइप लिखे, उसके बाद वेरिएबल नाम। वेरिएबल नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका रूल के अनुसार होना चाहिए। रूल क्या होता है वो पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलम देना ज़रूरी है, क्यों देना ज़रूरी है वो आगे जब कल के वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए अब इसमें हमको वैल्यू दे देना है, तीन को हम स्टोर कर देते हैं, करना चाहते हैं फर्स्ट में, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में स्टोर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को हम स्टोर करना चाहते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये डब्बों को मिटा देते हैं। अब क्या करना चाहते हैं, हम तीन को स्टोर करना चाहते हैं फर्स्ट में, तो क्या करेंगे, वेरिएबल वाला वीडियो में हम बताए थे क्या, कोई भी चीज़ को हमको स्टोर करना होता था क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम तीन कर दिए, अब सेमी कॉलन, फर्स्ट इक्वल टू तीन, तो इससे क्या होगा, पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट तो डिक्लेयर हो गया जहाँ उसको मिल गया ज़मीन, और उसमें हम तीन को अब स्टोर कर दे रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, फर्स्ट में मेरा क्या हो जाएगा, तीन चला जाएगा, फर्स्ट मेरा कहाँ है, यहाँ पे, तो इसमें तीन चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल का डिक्लेयरेशन हुआ, ये तो मेरा इंटीजर टाइप का हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए हम दोनों काम एक ही साथ करना चाहते हैं, अब एक नंबर चार लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से हम इंटीजर टाइप का लेते हैं, इसी किसको सेकेंड कर देते हैं, सेकेंड इक्वल टू फोर, अब इससे क्या होगा, मेरा एक सेकेंड नाम का एक भरी बनेगा, स्टोरेज उसको मिलेगा, उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर चार। आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, ऐसे आप पहले डिक्लेयर करके उसको उसमें वैल्यू दीजिए, या फिर आप साथ ही डिक्लेयर के साथ साथ उसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर, तो ये मेरा हो गया एग्जांपल इंटीजर पे। अब चलते हैं कैरेक्टर पे, कैरेक्टर पे, वो कैरेक्टर पे नहीं, ये वाला कैरेक्टर पे, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर पे चलते हैं, तो कैर के लिए हमको मान लीजिए हमको ए स्टोर करना है। कैरेक्टर में हम एक ही कोई अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हैं, या फिर स्पेस और सिंबल, ठीक है। अब ज़्यादा करना होगा तो उसके लिए एक और चीज़ है, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी बोलेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, उसके लिए मेरा ये होता है, ठीक है। बस अभी आइडिया दे दिए हैं, आइडिया नहीं बस इशारा कर दें, ये होता है उसके लिए जब हमको ढेर सारा कैरेक्टर स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमको मान लीजिए ए स्टोर करना है, तो क्या करेंगे हम पहले जो हमारा कीवर्ड है वो देंगे, किस टाइप का हम करना चाहते हैं, करेक्टर टाइप का था, करेक्टर का कीवर्ड दिए। उसके बाद क्या वेरिएबल नाम, वेरिएबल नाम इसका मान लीजिए, वेरिएबल नाम क्या है, इसको भी फर्स्ट दे देते हैं, इसको भी फर्स्ट दे दिए। अब वही तरीका है, पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्लेयर करिएगा तो क्या होगा, मेमोरी में फर्स्ट नाम का वैल्यू बन जाएगा। और इसको कितना लेगा स्टोरेज, स्टोरेज कितना लेता है, एक बाइट, तो एक बाइट लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से आप स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, फर्स्ट इक्वल टू, करेक्टर के बारे में क्या बताए थे, सिंगल कोट में होना चाहिए, तो सिंगल कोट में ए लिख दीजिए। अब इसको बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, इसमें ए स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब पहला टाइम पहला ये है, या फिर आप डिक्लेयर के साथ ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसे कर दीजिए। दूसरा मेथड कैर, यहाँ पे सेकंड कर दीजिए, सेकंड सॉरी सेकंड इक्वल टू सिंगल कोट में बी कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड नाम का एक वैल्यू बन जाएगा, उसमें बी स्टोर हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो ये मेरा हुआ कैरेक्टर का। फ्लोट का भी वैसे ही कर सकते हैं, फ्लोट में क्या होगा, डेसिमल नंबर आएगा। तो मान लीजिए ये क्लियर हो गया है, क्या करेंगे, डाटा टाइप या वेरिएबल नाम, वेरिएबल नाम में याद रखेंगे हमारा जो रूल होता है वेरिएबल का वो फॉलो होना चाहिए, फॉलो नहीं होगा तो एरर देगा और क्या, ठीक है। अब वेरिएबल नाम के रूल को फॉलो नहीं करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, करना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, अगला क्या है, फ्लोट मेरा। तो फ्लोट के लिए क्या करेंगे, पहले डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या है, उसका कीवर्ड फ्लोट, तो यहाँ पे फ्लोट देंगे, फ्लोट दिए। अब क्या है वेरिएबल नाम, वेरिएबल नाम क्या देते हैं हम, इसको भी दे देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट, और इसमें हम वही पहले फर्स्ट बन जाएगा, एक डब्बा बन गया फर्स्ट का, ये कितना बाइट लेगा, फ्लोट मेरा चार बाइट लेता है, ठीक है। तो अभी ये मेरा बन गया, चार बाइट लेगा मेमोरी में। फिर से आप करना चाहते हैं इसको इनिशियलाइज, तो एक तरीका ये है 2.4 कर दीजिए, इसको इनिशियलाइज कर देंगे तो इसमें 2.4 चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, फ्लोट लिखिएगा, आप फ्लोट के बाद स्पेस देके क्या सेकंड लिखिए। यहाँ पे वेरिएबल का नाम अपना मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दीजिए, लेकिन रूल फॉलो होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 3.4 कर देंगे, तो क्या होगा, सेकंड नाम का बनेगा, इसमें 3.4 हो जाएगा स्टोर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 3.4 तो स्टोर होगा, लेकिन ये किस टाइप का, फ्लोट का टाइप का, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे 4, 2, 4, 6 अंक तक लेगा, फ्लोट मेरा 6 अंक तक लेता है, ठीक है। तो ये मेमोरी में ऐसे स्टोर हो जाएगा 6-0 तक। आप दीजिए तो गया 2.4, लेकिन ये आगे अपना मन से 6 डिजिट तक आगे लगा देगा दशमलव के बाद, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये मेरा फ्लोट टाइप का हो, बे हमारा यूज होगा, ज़्यादातर यूज होगा मेरा इंटीजर करेक्टर फ्लोट ही यूज होगा। डबल भी बस वैसे ही, लॉन्ग डबल भी वैसे ही, कीवर्ड लिखिए, डाटा टाइप लिखिए, वेरिएबल नाम लिखिए, स्टोर कर दीजिए। डिक्लेयर करने का दो मेथड बताएं, क्या मेथड है, आप पहले डिक्लेयर कर दीजिए, उसके बाद कोई मेथड लगा के उसको वैल्यू दे दीजिए, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, पहले डिक्लेयर के साथ ही उसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना बात क्लियर हुआ। तो अब आगे क्या है, आगे है मेरा, अब जो होता है सबका इंतजार वही है आगे, क्या अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करने वाले हैं, सी लैंग्वेज का शुरुआत हो जाएगा, जो बेसिक होता है सबसे साधारण प्रोग्राम वो करने वाले हैं, वो प्रोग्राम में क्या करने वाले, प्रिंट करेंगे क्या, हेलो अपना नाम करेंगे प्रिंट, हम ये प्रिंट करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से हमारा प्रोग्राम का जरिया जो रास्ता है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे यही नहीं बहुत कुछ प्रिंट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहले स्ट्रक्चर जानेंगे, जो कैसे लिख सकते हैं, उसका सिंटैक्स जानेंगे, उसके बाद हम कुछ भी चीज़ को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।